सब्सक्राइब कीजिए ऑटो तत्व को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट ऑटोमोटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। समथिंग गाइस, आज मैंने सोचा कि जब तक मैं अपने अगले वीडियो पे काम कर रहा हूँ, क्यों ना आपसे शेयर करता हूँ कुछ अपडेट्स कि आखिर इस महीने अभी तक हमारे कंट्री में कौन कौन सी बाइक्स या कार्स लॉन्च की गई है या अनवेल किया गया है और पॉसिबिलिटीज है कि वो जल्दी हमारे कंट्री में भी लॉन्च हो जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, इसमें मैं इन बाइक्स या कार्स की कोई भी रिव्यू नहीं कर रहा, बस एक जनरल सी अपडेट और ओवरव्यू शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा बाइक्स की और शुरू करते हैं डुकाटी से। तो दोस्तों, डुकाटी ने लॉन्च किया अपने दो नए बाइक्स मल्टीस्ट्राडा 950 और साथ ही लॉन्च किया है मॉन्स्टर 797 को। जो मल्टीस्ट्राडा 950 है वो है दोस्तों मल्टीस्ट्राडा 1200 का ही एक स्मॉलर वर्जन और मॉन्स्टर 797 है मॉन्स्टर 821 का ही एक स्मॉलर वर्जन। स्ट्राडा 950 को लॉन्च किया गया है 12.6 लाख रुपीज के एक शोरूम प्राइस पे, मॉन्स्टर 797 को लॉन्च किया गया है 7.7 लाख रुपीज के एक शोरूम प्राइस पे। अब मॉन्स्टर 797 में गाइज आपको राइडिंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, ये आपको मिलता है मॉन्स्टर 821 में, पर ABS वगैरह जो है ये दोस्तों मॉन्स्टर 797 में भी स्टैंडर्ड है। अब हम बात करते हैं अगली बाइक के बारे में जो है स्ट्रीट ट्रिपल एस फ्रॉम ट्रायम। ये दोस्तों पावर्ड है एक 765cc के लिक्विड कूल इंजन से जो तकरीबन 113 BHP की पावर देता है और साथ ही देता है 73 Nm की टॉर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्स के बारे में, और सबसे पहली जो कार है वो है जीप की कंपस। दोस्तों जीप ने जो है इस कार को इंडिया में अभी फिलहाल ही अनवेल किया है और उम्मीद है कि इस साल के एंड तक ये कार जो है लॉन्च हो जाएगी। अब दोस्तों इसके जो मेन राइवल्स हैं वो है फोर्ड की एंडेवर, टोयोटा की फॉर्च्यूनर, ह्यूंडई की ट्यूसो वगैरह। तो आप अभी रेट्स तो मालूम है नहीं, पर जैसा कि इनके कंपेटिटर्स को देख के लग रहा है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो भी इसी बीच होगी। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है एक 2 लीटर का डीजल इंजन और 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन। अगर हम ट्रांसमिशन के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको एक 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। पेट्रोल इंजन जो है दोस्तों वो तकरीबन 160 bhp की पावर देता है और देता है 260 न्यूटन मीटर के टॉर्क, और डीजल इंजन जो है दोस्तों वो 170 bhp की पावर देता है। अब जो है अगली कार की बात करते हैं जो कि है वोक्सवैगन की पोलो। तो दोस्तों वोक्सवैगन ने जून 16 को ही पोलो के नेक्स्ट जनरेशन को जो है ग्लोबली अनवेल किया था, और ये इंडिया में कब तक आएगा इसका अभी कुछ पक्का जानकारी जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो कार है वो अपने पुराने या करंट पोलो से बड़ी है और बेस्ड है MQB प्लेटफॉर्म की। अगर हम इंजन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 1 लीटर की TSI पेट्रोल इंजन, 1.4 लीटर के TSI पेट्रोल इंजन और साथ ही देखने को मिलेगा एक 1.6 लीटर की भी डीजल इंजन। तो गाइस अब बात करते हैं एक सुपर कार की ऑडी के तरफ से। मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने इसको गेस कर लिया है कि मैं बात कर रहा हूँ ऑडी R8 की। तो दोस्तों ऑडी R8 स्पाइडर V10 है, उसी का ही ऑडी ने एक अपग्रेडेड वर्जन निकाला है स्पाइडर V10 प्लस। अब ये जो स्पाइडर V10 प्लस है दोस्तों ये देता है 610 bhp की पावर और देता है 560 न्यूटन मीटर की टॉर्क। अब ये जो गाइस स्पाइडर V10 है उससे तकरीबन 25 kg लाइटर है, क्योंकि ऑडी ने जो है बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किया है कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स का, तो इसी वजह से इसकी वेट जो है वो घट चुकी है तकरीबन 25 किलो जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो इसकी इंक्रीज्ड पावर है इस वजह से जो टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक और अच्छी हो गई है। जो 0 to 100 की जो स्पीड की जो टाइमिंग है वो 0.3 सेकंड से घट चुकी है, और जो टॉप स्पीड है वो 10 km/h और उसमें ऐड हो चुका है, तो इस वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा पावर पैक्ड और काफी अच्छी हो चुकी है। तो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक थम्स अप दीजिएगा और साथ ही अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऑटोमोटिव की दुनिया से ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों जाने से पहले मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स व्हेन यू ड्राइव एंड प्लीज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड गुड बाय।